आज हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर के चैप्टर 17 उपसर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ग है, आ उपसर्ग है आगमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ख है, उत जो है उत्पत्ति में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ग है, सु जो है सु उपसर्ग लगा हुआ है स्वागत शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गुण शब्द में कौन उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन क है, दुर जो है दुर्गुण शब्द में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ख है, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अत्याचार शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन घ है, अति जो है उपसर्ग लगा हुआ है अत्यंत शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन क है, सु उपसर्ग लगा हुआ है सुगम शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन घ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है अनपढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन घ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है अनपढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ग है, अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अधजल शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन क है, अ उपसर्ग लगा हुआ है निषेध शब्द में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।